नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली पे आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। द हिडन हिंदू, इस कहानी को अगर बचपन से हम देखें तो हर हिंदू थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन उस पूरी तरह से जानने की संभावना उसके पास सीमित है। वो पुराण पढ़ नहीं सकता, रामायण महाभारत को उल्टा नहीं सकता, और आधुनिक समय में उसके पास ऐसे साधन नहीं है जिसके में गोता लगाकर वो अपने पौराणिक इतिहास में पहुंच जाए। ऐसे समय में अक्षत गुप्ता जी ने एक बेहतरीन पुस्तक लिखी है, द हिडन हिंदू। और अक्षत गुप्ता जो है वो एक पटकथाकार हैं, एक गीतकार हैं, और हमारे हिंदी सिनेमा में उनका बड़ा योगदान है। ये जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, इस पर फिल्म भी बहुत बड़े स्तर पर बनने जा रही है। महेंद्र सिंह धोनी की कंपनी इस पे फिल्म बनाने जा रही है। 3 खंडों में है ये पुस्तक, हिंदी अंग्रेजी दोनों में कपोत पर उपलब्ध है। तो इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी खासियत है कि आप आज के संदर्भ में अपने पुराण के इतिहास, उसकी काल गणना, आप वर्तमान, अतीत, भविष्य तीनों से रूबरू होते हैं, तीनों से जुड़ते हैं, और कम शब्दों में आप अपने पूरे इतिहास से परिचित हो जाते हैं, जिससे परिचित होने के लिए आपको बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे और शायद वो आप ना पढ़ पाए। और ये अच्छा लग रहा है कि यूथ अब अपनी भाषा में अपने इतिहास को लेकर बात कर रहा है। आप सबसे भी अनुरोध है कि अक्षत की पुस्तक को पढ़िए और लोगों को बताइए। आपके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, ताकि आप अपने उस जड़ से, अपने उस नाभि से, उस कस्तूरी की सुगंध को आप पहचान सके जो आपकी नाभि में तो है, पर आप उसकी उसको खोजने कहीं और निकल गए हैं, बहुत दूर निकल गए हैं। तो आप प्लीज हिडन हिंदू को पढ़िए, लोगों को सुनाइए, क्योंकि हमारे बीच से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिसमें अक्षत गुप्ता जी भी हैं। और ऐसा मिथ और इतिहास, इतिहास कौशल जी, इतिहास है। मिथ शब्द हमारे इतिहास को भुलाने के लिए पश्चिम ने दिया है उस, और वो मिथ मिथ्या से बना है, जो भ्रम है। पुराणों को मिथ्या मत कहिए, मिथक मत कहिए, वो हमारे इतिहास हैं, उसके प्रमाण हैं, सारे प्रमाण हैं। और उन इतिहासों को ही द हिडन हिंदू के रूप में अक्षत ने आपको 150, पहला जो खंड है वो 205 पेज है उसमें। तो इतना में आप तो पढ़ ही सकते हो, और बहुत बहुत खूबसूरत कहानियों के जरिए आप पढ़ सकते हो। तो पढ़िए और अपने बच्चों को कहानियां सुनाइए। आपको अपने दादी नानी की भूमिका में आना होगा अपने बच्चों के लिए, वरना आपके हाथ से जो बच्चे निकल रहे हैं, माफ कीजिएगा, उनका दोष नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आपने उनको वो कहानियां नहीं दी जो मेरी नानी दादी मुझे देकर गई है, जो संस्कार हमें हमारी संस्कृति से जोड़े हुए, हमारे धर्म से जोड़े हुए। हिमांशु जी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।